आज हम स्टार्ट करेंगे बीएड फोर्थ सेम आईसीटी का लेक्चर नंबर 7, वीडियो कैसेट रिकॉर्डर वीसीआर या फिर वीडियो कैसेट डिस्क वीसीडी। तो इसमें क्या है, वीडियो कैसेट रिकॉर्डर जो है आपका, आपने सुना है, नाम सुना होगा वीसीआर और वीसीडी के बारे में। तो इसमें क्या है, एक ये भी एक कैसेट की तरह होता है, ठीक है। इसमें भी क्या है, ब्लैक कलर की स्ट्रिप लगी होती है, काफी लंबी इसकी, काफी चौड़ी स्ट्रिप इसकी होती है। और जो इसका जो इस कैसेट को जो है हम वीडियो कैसेट रिकॉर्डर से देख सकते हैं, ठीक है। और जो जैसे हम कोई इसका यूज जो है अच्छे अच्छे लेक्चर बनाने के लिए भी कर सकते हैं। आपकी जो मैरिज की वीडियोस बनती हैं या फिर बर्थडे की वीडियोस बनेंगी या मैरिज एनिवर्सरी की या कोई भी वीडियो आप ले लो, फंक्शन, किसी भी फंक्शन की अगर आप वीडियो बनाते हो तो सबसे पहले क्या है, वो वीडियो कैसेट पे ही बनती है, ठीक है। उसमें क्या है, कैमकॉर्डर यानी कि कैमरा लगा होगा, उसके थ्रू जो है वो वीडियो तैयार होगी। अब जब ये वीडियोस तैयार होंगी तो उसके लिए एक अच्छी क्वालिटी का साउंड भी चाहिए, अच्छे क्वालिटी का कैमरा उसमें लगा होना चाहिए, तभी ये वीडियोस क्या हैं हमें इफेक्टिव देखने को लग सकती हैं। अब देखो कुछ इवेंट्स, जैसे आप लोग आजकल सभी के पास फोन्स हैं तो उसके थ्रू भी हम क्या करते हैं, ये चीजें वीडियोज वगैरह बना लेते हैं, ठीक है। फिर उसको हम क्या है, थ्रू टेलीविजन के थ्रू हम उसको आराम से देख सकते हैं। तो जो भी हम देखेंगे ब्रॉडकास्ट जो होगा वो टेलीविजन पे हमें एकदम से दिखाई देगा। जैसे हम अपने अपने कोई जो हमारे साथ कोई घटना हुई या फिर कुछ एक किस्म से घटनाओं में, मैं यहाँ एग्जांपल लूंगा, आजकल जैसे वो क्राइम पेट्रोल वगैरह चला है, उसमें क्या है, कहानी छोटी सी होती है लेकिन उसको बड़ा दिखाने के लिए वो करते हैं, उसमें करेक्टर्स डालकर उसको एकदम से लंबा चौड़ा खींच के, ताकि आपको पूरी स्टोरी का क्लियरली पता लग सके कि उसमें क्या था क्या था, एक नाटक रूप उसमें दे देते हैं, ठीक है। कहानी छोटी सी होगी लेकिन उसको बढ़ा चढ़ा के वो उसको जो है ब्रॉडकास्ट कर देते हैं, ठीक है। तो ये सिंपली है, इसका जो यूज है वो एजुकेशन में भी काफी ज्यादा किया जाता है। जैसे वीडियोस बनाकर आप उसको जो है अपने टीवी पे या फिर डेस्कटॉप पे देख सकते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा इसमें बेसिक था ये। अब बात करते हैं कि वीडियो कैसेट रिकॉर्डर में क्या क्या हमने जो लिखा है उसको देख लेते हैं, ठीक है। तो वीडियो कैसेट रिकॉर्डर इज नोन एज वीसीआर, ठीक है, ये तो आपको लग गया पता। वीसीआर एंड वीसीडी रिप्रेजेंट इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस डेवलप थ्रू अ प्रॉपर सिंथेसिस ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीज इन रिकॉर्डिंग एंड रिप्रोड्यूसिंग नॉट ओनली द ओरिजिनल वॉइस एंड साउंड एज इन द टेप रिकॉर्डर। यानी कि ये काम करता है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की टेक्नोलॉजी जो आजकल चली है उसमें रिकॉर्ड करने के लिए ही काम किया जाता है, लेकिन साउंड क्या है, अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए, और साथ में जो है वो जो है वो टेप जो है रिकॉर्ड करता जाता है, ठीक है। जो हम बोलेंगे या फिर वीडियो तैयार करेंगे वो एक टेप रिकॉर्डर उस पे करता रहेगा, ठीक है। जैसे मतलब कि जैसे एक टेप रिकॉर्डर काम करता था ना हमारा, जब हमने टेप रिकॉर्डर के बारे में पढ़ा था, उसी तरह से ये भी काम करता है। लेकिन इसमें क्या है, वहां पर हम सिर्फ ऑडियो रिकॉर्ड कर सकते थे, यहाँ हम इसको विजुअली भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट इसमें आएगा आएगा अब वीसीआर इज कॉमनली यूज टू रिकॉर्ड टेलीविजन प्रोग्राम्स ब्रॉडकास्ट ओवर द एयर बाय केबल टू प्लेबैक कॉमर्शियली कैसेट्स ऑन टेलीविजन सेट। यानी कि वीसीआर का कॉमनली यूज क्या है, अब जो जितने भी केबल नेटवर्क्स हैं अपने एरियाज में, तो वो क्या करते हैं कि वीसीआर के थ्रू क्या करेंगे, वो हमें टेलीविजन पे क्या करते हैं, ब्रॉडकास्ट करते हैं किसी भी, या तो कोई गाने की वीडियोस लगा देंगे या फिर कोई मूवी लगा देंगे, वो सारा उस पर चलता रहता है, ठीक है। तो उसके थ्रू हम टीवी पर उसको देख सकते हैं, मतलब बार बार वो प्लेबैक, यानी कि जैसे अब रामायण का टेलीकास्ट चला था कुछ दिन पहले, तो डीडी नेशनल जो चैनल है उस पे क्या किया कि वीसीआर के थ्रू जो है वो चलाना शुरू कर दिया, ठीक है। तो एक किस्म से हमें ब्रॉडकास्टिंग जो है वो टेलीविजन पे हमें दिखाई देने लगी। नेक्स्ट इसमें कि वीसीआर हेल्प अस इन रिकॉर्डिंग द साउंड एंड लाइफ ऑफ इवेंट्स एंड हैपनिंग्स इन देयर ट्रू नेचर कलर्स एंड फीचर फॉर प्रोवाइडिंग मोस्ट एक्सपीरियंस एज एंड वेन वॉन्ट टू डू। यानी कि जो भी हम वीसीआर में जो भी हम देखेंगे उसमें तो साउंड तो आएगी, ठीक है, हमारे जो लाइफ से रिलेटेड जितने भी इवेंट्स हैं, जो भी हैपनिंग्स हमारे साथ हुई होंगी, उसको हम क्या है, एक ट्रू यानी कि सत्य घटनाओं के रूप में उसको हम देख सकते हैं, ठीक है, सत्य घटनाओं के रूप में हम उसको देख सकते हैं। मान लो आपने अगर कोई स्टोरी देखी है, उस स्टोरी को आप किसी बड़े प्रोड्यूसर के पास देंगे तो वो क्या करेगा, उस स्टोरी को बढ़ा चढ़ाकर उसको नाटक रूप देकर आपको दिखा देगा, और उसमें कुछ करेक्टर्स ऐसे आएंगे कि आपको लगेगा कि नहीं यार ये हमारे ऊपर बेस्ड है, ठीक है। तो एक्सपीरियंस लिया जा सकता है, उसको आप जब मर्जी देख सकते हो, ठीक है। द वीसीआर वॉज क्रिएटेड बाय चार्ल्स पाइकिंग
डेरर, ठीक है, इसका नाम जो था, जिसने इसको क्रिएट किया था, वीसीआर को क्रिएट किया था, चार्ल्स पाई किंग डेरिया इन यूएसए, अ मेंबर ऑफ रिसर्च टीम। ठीक है, वो जो मेंबर था वो रिसर्च टीम का मेंबर था। थ्रू दिस कैसेट इन 1915 द लाइव सीन फ्रॉम द टेलीविजन कैमरा वाज कन्वर्टेड इनटू अ कैसेट, यानी कि जो लाइव सीन चले होते थे, जैसे मान लो कोई एक्सीडेंट वगैरह हुआ, वो तो लाइव हमने देख लिया, ठीक है, उसको क्या किया गया कि एकदम से उसको कैमरे के थ्रू उसको एक रूप दिया गया, ताकि हम उसको जो है टेलीविजन पर देख सकें। कैसेट बाय चेंजिंग द इलेक्ट्रिक इम्पल्सिस, यानी इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस मतलब उसको एक रूप दे दिया गया कि इसको हम कैसेट के थ्रू या टेलीविजन के थ्रू जो हम इसको दर्शाएंगे। ठीक है, तो ये था थोड़ा सा इंग्लिश में। अब हिंदी में अगर देखो, आपको इंग्लिश का इतना टफ लैंग्वेज लगती है, तो हिंदी में आप इसको तैयार कर लो, हिंदी के थ्रू आप इसकी इंग्लिश बना सकते हो। ठीक है, तो हिंदी में क्या है, वीसीआर के नाम से भी ये लोकप्रिय है। ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर तकनीकों को आपसी निर्मित करता है, यहाँ करता आएगा। ठीक है, इनके द्वारा ध्वनियों और आवाज हुई वस्तुओं को, स्थानों को मूर्ति रूप से देखने और उनसे संबंधित दृश्यों को अनुभव की प्राप्ति होती है। यानी मैंने आपको ऊपर क्लियर कर दिया था कि जो आवाजें, वस्तुओं, जो भी स्थानों पर जो भी घटित हुई होती हैं, जैसे एक्सीडेंटल कोई होगा, या फिर कोई मर्डर वगैरह का केस हो गया, कुछ अच्छी हैपनिंग हो गई, मैरिज की हो गई, बर्थडे या फिर मैरिज एनिवर्सरी की, जितनी वीडियोस होंगी उसको हम क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, और उसमें अच्छी क्वालिटी की साउंड डाल करके हम उसको दृश्य मतलब टेलीविजन में देखकर उसका अनुभव ले सकते हैं। ठीक है, वीसीआर में अनेक श्रव्य और दृश्य दोनों प्रकार की जीवन अनुभवों की प्राप्ति होती है। हम इसमें दोनों टाइप से देख सकते हैं, ऑडियो वीडियो दोनों चल सकती हैं। ठीक है, तो उसका हम अनुभव कर सकते हैं। वीसीआर का निर्माण यूएसए अनुसंधान टीम के सदस्य चार्ल्स पाइकिंग डरे द्वारा किया गया था। ये तो ऊपर मैंने आपको क्लियर कर दिया। उन्होंने 1951 में इस कैसेट के द्वारा टेलीविजन कैमरे से सजीव दृश्य को विद्युत आवेगों, ये आवेगों है, ठीक है, विद्युत आवेगों को बदलकर कैसेट के रूप में दर्शाया गया। यानी कि जो आप रियल लाइफ में एक्टिविटीज देखते थे, उसको क्या किया गया कि बदल कर कैसेट के रूप में उसको दिखाना शुरू कर दिया गया, कैसेट के रूप में उसको बनाया गया, तैयार किया गया, वीडियो को रिकॉर्ड किया गया, उसके बाद उसको टेलीविजन में ब्रॉडकास्ट उसका किया गया। ठीक है, अब बात करते हैं इसमें नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है इसमें एजुकेशन एडवांटेजेस ऑफ वीसीआर एंड वीसीडी, यानी कि वीसीआर और वीसीडी के शैक्षिक लाभ। तो इसमें सबसे पहले क्या, एक्सपीरियंस ऑफ रियलिटी, यानी कि सजीवता का अनुभव। अब एक्सपीरियंस ऑफ रियलिटी का मतलब आप समझ गए होंगे कि जो भी आपके साथ जो भी घटनाएं घटित हुई, या फिर लोगों के साथ जो घटनाएं घटी थी, उसका आपने एक्सपीरियंस लिया, और उसको थ्रू एक नाटक या फिर किसी चीज के द्वारा जो है उसको वीडियो तैयार की गई, उसके बाद उसको एक्सपीरियंस के तौर पे उसको दिखाया गया। ठीक है, यूजफुल इन टीचिंग, शिक्षण में उपयोगी। अब यूजफुल इन टीचिंग कैसे है, अब कई क्या करते हैं कि अपनी वीडियोस तैयार करते हैं, जैसे ठीक है, वीडियोस कैसे तैयार करते हैं, वो बढ़िया सा प्रोजेक्टर वगैरह लगा के उसमें वीडियो तैयार करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, उसको या तो YouTube में अपलोड कर देंगे, या तो उसकी सीडी या डीवीडीज बनाकर उसको बेचते हैं। ठीक है, ताकि जो है बच्चों की हेल्प हो सके इसमें पढ़ने के लिए। नेक्स्ट है यूजफुल इन सोशल स्टडी, सामाजिक अध्ययन में उपयोगी, यानी कि सोशल स्टडी में कैसी उपयोगी है। अब देखो, कई बार क्या होता है, बच्चों को हम दूर दराज लेके नहीं जा सकते, जैसे आगरा का कोई ताजमहल दिखा रहे हैं, या फिर कुतुब मीनार दिखा रहे हैं, तो उसके लिए मैप दिखाना हो तो हम पूरा वर्ल्ड का मैप, या इंडिया का मैप जो सीधा इसके थ्रू दिखा सकते हैं। अब जो आपने कुछ दिखाना हो, कुतुब मीनार, आगरा वगैरह, ताजमहल वगैरह में जो दिखाना हो, तो मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि उसको आप उस वीडियोस को लगाकर उसमें दिखा सकते हैं। ठीक है, उसको एक पर्सनल और एक्सपीरियंस करवा सकते हैं कि देखो ये चीज ऐसे है, बच्चा भी समझेगा कि हाँ यार, ये इसको ये जो ताजमहल है, ये कुतुब मीनार है, या जो भी है गोल्डन टेम्पल है, मैं यहाँ इस टाइम यहाँ पर हूँ, वो सो जो भी होगा उसको वो रियल लाइफ में एक्सपीरियंस ले सकता है। ठीक है, लैंग्वेजेस यानी कि भाषाएं हम इसमें से सीख सकते हैं। ठीक है, भाषाएं कैसे सीखेंगे, भाषाएं सीखने के लिए आपको जैसे वीडियो चलती रहेगी, ठीक है, वीडियो चल रही है, इंग्लिश के जो वर्ड्स कुछ इतने टफ होते हैं, तो प्रोनंसिएशन करके सिखाए जाते हैं कि इस वर्ड को हम इस तरह से बोलते हैं। ठीक है, उसमें जो भी शब्द आएंगे उसको वो
जिस लिहाज पर वो बोलेंगे आप भी उस लिहाज पर कोशिश करेंगे उसको बोलने की। तो इससे क्या है, अलग अलग टाइप के हम वर्ड सीख सकते हैं, लैंग्वेजेस हम सीख सकते हैं, फ्रेंच हो गई, इंग्लिश हो गई, हिंदी, उर्दू, संस्कृत, ये सारी जो है हम लैंग्वेजेस इसमें सीख सकते हैं। म्यूजिक संगीत की बात करें तो मैं भी लगभग म्यूजिक में काफी इंटरेस्ट रखता हूँ, तो उससे मैंने वीडियोस देख कर ही काफी म्यूजिक को सीखा है। ठीक है, वीडियोस को देख देख कर ही मैंने म्यूजिक को सीखा है, तो ये भी एक एग्जांपल है कि आप म्यूजिक को कैसे सीख सकते हैं। ठीक है, तो म्यूजिक में सीखने के लिए आप वीडियोस को लगा दो, उसमें क्या है जो भी जैसे जैसे बताया जा रहा है उसको आप वैसे यूज करके देख सकते हो। आर्ट एंड क्राफ्ट एंड फिजिकल एजुकेशन, अब कला कौशल और शारीरिक शिक्षा। अब कला कौशल में क्या है, देखो इसमें भी मैं अगर अपना एग्जाम्पल तू जो देता हूँ, तो उसमें क्या है कि जब जब भी आप कोई एक्ट कर रहे हो, ठीक है, जब भी कोई आप एक्ट कर रहे हो, तो सबसे पहले क्या करोगे, उसके बारे में समझ लोगे। ठीक है, उसको वीडियो के थ्रू देख लोगे, उस करेक्टर में जाने की आप कोशिश करोगे, उसके बाद क्या है उस करेक्टर का पूरे पूरे तरीके से यूज करके उसको अपने रियल लाइफ में यूज करके उसको दिखा सकते हो। शारीरिक शिक्षा में भी इसका काफी यूज है। देखो जैसे कोई ट्रिक्स आपको समझ नहीं आती, तो गेम्स की जो ट्रिक्स हैं कुछ, उसको आप वीडियोस के थ्रू देख सकते हो। ठीक है, तो वो चीजें आप उससे सीख सकते हो। जैसे खो खो की कोई ट्रिक हो गई, आपको नहीं लगता पता, खेलने नहीं आता, या फिर उसके रूल्स आपको समझ नहीं आ रहे, तो वो आप वीडियो में जाके देख सकते हो। बैडमिंटन में इतनी सारी ट्रिक्स यूज की जाती हैं, टेबल टेनिस में यूज की जाती हैं, बास्केटबॉल में यूज की जाती हैं, वो सारे टर्मिनोलॉजीज को आप इसमें वीडियो में देख कर उसका यूज कर सकते हो। अब देखो शारीरिक शिक्षा में योगा के बारे में भी आप लिख सकते हो कि हम योगा कैसे किया जाता है, उसके बारे में भी आप लिख सकते हो। ठीक है, ये था थोड़ा सा। अब ड्रामा यानी कि नाट्य कला। अब ड्रामा क्या है, नाट्य कला में क्या है कि जो भी आप नाटक देखोगे उसको एकदम से आप नाटक आपने देख लिया, उसमें क्या है उसी तरह की आप कुछ वीडियोस को तैयार करने की भी उससे कोशिश करते हैं ताकि लोगों का मनोरंजन हो सके। यूजफुल फॉर माइक्रो टीचिंग, सुगम शिक्षण के लिए उपयोगी। अब जब माइक्रो टीचिंग आपकी स्टार्ट होती है, उस टाइम भी अगर हम इन वीडियोस को दिखा करके माइक्रो टीचिंग का पूरा एक्सपीरियंस दिलवाएं, तब हमको हमें क्या है ज्यादा वो चीजें क्लियर होती हैं कि माइक्रो टीचिंग में इस तरह से ये सारी जितनी भी हमारी माइक्रो टीचिंग की जो स्किल्स हैं वो कैसे यूज की जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें रिकॉर्ड ऑफ करिकुलर और को करिकुलर एक्टिविटीज, यानी कि करिकुलर हो गई आपके फंक्शन वगैरह जो आपके रिकॉर्ड किए जाते हैं उसको भी आप देख सकते हो, और को करिकुलर एक्टिविटीज जो हर हफ्ते जो है स्कूलों में की जाती है या फिर महीने के एंड में की जाती है, जैसे बाल सभाएं हो गई, टूर्नामेंट्स आपके हो गए, ठीक है, वो सारी चीजें क्या है को करिकुलर एक्टिविटीज में आएंगी। और करिकुलर में ज्यादातर वो आगे फंक्शन वगैरह जो भी आपके रेयर केसेज में होते हैं तो उसको रिकॉर्ड करके रखा जा सकता है और उसको बाद में देख सकते हैं। स्कूलिंग टीचिंग लर्निंग रिसोर्सेज, शिक्षण अधिगम समाधानों को संयुक्त लाभ के लिए इकट्ठा करना, यानी कि शिक्षण अधिगम जो समाधान, यानी कि जो भी हम लर्निंग रिसोर्सेज हैं उसको हम इकट्ठा कर सकते हैं। ठीक है, लर्निंग रिसोर्सेज जितने भी हैं उसको हम इकट्ठा करेंगे चार्ट मॉडल के थ्रू, और उसको क्या है वीडियो के थ्रू उसको जब हम बनाएंगे, ठीक है, वीडियो में हम उसको तैयार करेंगे और उस बच्चों को दिखाएंगे, तो उससे क्या है कि बच्चों को भी एक उसको काम को करने की इच्छा उसमें जागृत होगी, वो उसको और अच्छे ढंग से वो अपने तरीके से करने की कोशिश करेगा। जैसे आजकल क्या है कुछ लोग मॉडल्स वगैरह तैयार करते हैं उसके बाद उसकी वीडियो जो है वो डाल देते हैं, लेकिन वो फास्ट वीडियो बनाकर इतना उन्हें क्लियर वो नहीं हो पाता जितना कि पूरा, अगर हम पूरा तैयार करने लगे बारी बारी से एक एक चीज दिखाएं तो शायद वो 2 या 3 दिन की वीडियो लग सकती है या फिर पूरे दिन की एक वीडियो तैयार होगी। तो वीडियो बनाने वाले क्या करते हैं उसको फटाफट से फास्ट कर देते हैं और एकदम से उसको तैयार करके दे देते हैं। अब इसमें क्या है वीसीआर में आप फॉरवर्ड और रिवर्स का भी इसमें बटन होता है, तो उसको आप रिवर्स करके भी दे सकते हो और फॉरवर्ड करके भी देख सकते हो। ठीक है, तो ये था हमारा आज का टॉपिक जिसके बारे जो हमने पढ़ा वीसीआर और वीसीडी के बारे में। अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छी लगी हो, आपको कुछ इसमें हेल्प हो रही हो, तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा वीडियोस को शेयर कर दो। ठीक है, अगर किसी को पीडीएफ चाहिए होंगे तो 9816718076 पर मेरे से ले सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।